रहता का उल्टा चश्मा। आज का ये सुविचार मैंने टप्पू और उसके जैसे शरारती बच्चों के लिए लिखा है। पढ़ के सुधर जाए तो अच्छा है। बचपन खेल में, जवानी मस्ती में बीत जाती है, अगर ना संभल जाओ वक्त पर तो बुढ़ापे में जिंदगी बहुत सताती। अरे वाह वाह बीड़े मास्टर, क्या सुविचार लिखा है। थैंक यू आती भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पेशेंट विजिट पे? अरे नहीं, मैं तो विश्वास हेल्दी चाट एंड जूस सेंटर जा रहा हूँ। तो ये मेडिकल वाली बैग लेके? नहीं, दरअसल क्या है ना कि विश्वास मेरा बहुत पुराना पेशेंट है और उसने अपना एक हेल्दी चाट सेंटर खोला है और आज उसकी ओपनिंग है, तो वहाँ उसने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, तो खाने के साथ साथ एक फ्री हेल्थ चेकअप भी दे रहा हूँ। हेल्दी खाओ हेल्दी जियो। अरे वाह, अच्छा लगा ना। हाँ, तो कभी ऐसा सुविचार भी लिखो, हेल्दी खाओ हेल्दी जियो। क्या फायदा आती भाई, कोई अमल करेगा ही नहीं। अरे लिखो तो सही, लोग पढ़ेंगे भी और अमल भी करेंगे। ठीक है चलो, देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिलहाल मैंने ये सुविचार लिखा है, अब ये सुविचार पढ़ने के बाद टप्पू जैसे शरारती बच्चे अमल करे तो भी काफी है। बेशिस्त कौन? अरे वो देखो, वहां तो कोई नहीं है। अरे वो सकारण के पीछे देखो ना, कंपाउंड में किसी ने कचरा फेंका है। आदि भाई आप कहाँ आ रहे हो, मैं उठा लूंगा। हाँ तुम उठा लो और मुझे दे दो, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो डस्टबिन में डाल दूंगा। अरे वाह, थैंक यू। आइए। हाँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्य नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। ओ जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग आती भाई। गुड मॉर्निंग। तुझे गुड मॉर्निंग गेलं खड्ड्यात। अरे 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 सकाळी सकाळी काय झालं? जेठा भाई आपने सुबह सुबह भिड़े मास्टर को नहला दिया। मग ये देख, ये देखो। अरे भाई भिड़े, तुझे पता है ना मेरा रोज का नित्य कर्म है, मैं रोज सूर्य दादा को जल अर्पण करता हूँ, उसी वक्त मेरी बालकनी के नीचे आके क्यों खड़ा हो जाता है? ओ अच्छा समझा, तुझे ऐसा लगता है कि सूर्य दादा को अर्पण किया हुआ जल तेरे सर पे गिरेगा तो बाल उगाएंगे। इसने हंसने वाली क्या बात है आती भाई? हाँ वो सच में ऐसा मानता है। किसने दिया ये आइडिया तुझे? बस करो जेठा भाई। हाँ बस कराता। और आती भाई आप क्या हंस के मजा ले रहे हो? लो आती भाई अभी आपसे झगड़ा शुरू। मुझे तो लगता है जैसे इंसान को जीने के लिए हवा पानी और अनाज जरूरी होता है, वैसे भीड़े को जीने के लिए हवा पानी अनाज और झगड़ा जरूरी है। हाँ बोल। एक तो गलती खुद करता है और इल्जाम दूसरे पे लगाता है। मैंने क्या गलती की भाई? अरे हजार बार बोला है जेठालाल, जल अर्पण करने से पहले एक बार नीचे देखा करो। अरे पर मैं नीचे क्यों देखूं? सूरत दादा ऊपर है, जल मुझे उनको अर्पण करना है तो मैं तो ऊपर देख के जल अर्पण करूंगा ना भाई। अरे लेकिन तुम जो जल अर्पण करोगे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जल नीचे आएगा ना, डायरेक्ट सूरज दादा के पास आकाश में थोड़ी जाएगा। अरे ओ गुरु आता जरा घर्षण कमी करा। तुम्हारा एक संग, ये मेरे बालकनी के नीचे तेरे जमाने का कोई खजाना छुपा हुआ है क्या? कहते? तो बार बार तुम मेरी बालकनी के नीचे आके क्यों खड़ा हो जाता है भाई? ओ जेठालाल मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बालकनी के नीचे आके खड़े रहने का, ये तो किसी ने कचरा फेंका था यहाँ पे, उठाने के लिए आया था मैं। ओ वाह, फिर भी एक बार ऊपर देख लेना का ना। मतलब तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे ऊपर देखते देखते कचरा उठाऊं? हाँ ऐसे ऐसे। सॉरी।